आपने वर्ड पढ़ा है क्या? रोमबस पढ़ा क्या सर? मैं कह रहा हूं कि मैं आपको जो भी डाउट्स हैं करवा दूंगा, अभी हिंट दे दूंगा, इस क्लास के एंड में दे दूंगा, पहले मैं कुछ आगे पढ़ा लूं क्योंकि वो भी काम बचा हुआ है, और जरूरत पड़ी तो एक और 40 मिनट की क्लास लगा देंगे। इधर देखिए आप, पहली चीज आती है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? नाइन्थ वाइन्थ में या कभी बनाया है क्या फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट का? एफबीडी इन शॉर्ट इसे बोलते हैं। एफबीडी क्या मतलब पता है? एफबीडी का यस बनाया ठीक है, एफबीडी में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया आपने, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास लिख दिया, उस पे लगने वाले सारे फोर्स लिख दिए बाहर से, जो भी फोर्स लगे। F1 इधर लगा, सपोज कीजिए F2 इधर लगा, F3 इधर लगा, मान लो उस पे ये तीन फोर्स लग रहे हैं, सपोज ये तीन फोर्स लग रहे हैं, फिर आपने उसकी एक्सेलरेशन लिखी। हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन है, मैंने माना कि इसकी एक्सेलरेशन ए इधर है। सारे के सारे फोर्सेज और एक्सेलरेशन आपने दिखा दिए, ये होता है इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी। फिर न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगाते हैं वो सुने, न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगाते हैं। ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, एक साइड मैंने मान लिया एक्स एक्सिस और एक साइड मैंने मान लिया वाई एक्सिस, कोई भी इस तरह से ज्यूम कर दिया आपने, आपने एंगल्स देखे, सपोज कीजिए ये एंगल है फाई और मैं कहता हूं ये एंगल है थीटा। तो पहला काम, जो भी टेढ़े मेढ़े वेक्टर दिख रहे हैं इनके कंपोनेंट कर दो। देखो F1 पूरा एक्स स्केल होंगे, F3 पूरा नेगेटिव वाई में है, F2 टेढ़ा मेढ़ा है, तो चलिए F2 के कंपोनेंट करो। थीटा वाली साइड क्या आएगा F2 का कंपोनेंट? F2 cos थीटा। और इधर क्या आ जाएगा? F2 sin थीटा। एक एक्सेलरेशन टेढ़ा मेढ़ा है, इसके टुकड़े करवाओ। A का आगे की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? sin phi। A cos phi, sin नहीं cos phi। और ए का नीचे की तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी ए साइन फाइव। अब देखो सारे सीधे हो गए, जो भी टेढ़े मेढ़े थे उनके टुकड़े हो गए। अब मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ लगाना सिखाता हूं कि किस तरह से आपको न्यूटन लॉ सेकंड लगाना है। एक बार अलोंग एक्स एक्सिस, एक बार मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं अलोंग एक्स एक्सिस, क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स एक्सिस की तरफ लगने वाले सारे फोर्स जो आगे हैं वो पॉजिटिव, पीछे हैं वो नेगेटिव, आगे ही हैं दोनों, तो नेट फोर्स कितना हुआ? F1 प्लस F2 साइन थीटा इज इक्वल टू मास, मास के कंपोनेंट होते नहीं है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी आगे की तरफ? A cos phi। तो F1 प्लस F2 साइन थीटा इज इक्वल टू m इनटू A cos phi। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे अलोंग वाई एक्सिस। बताओ अब वाई एक्सिस आपने ऊपर माना है तो ऊपर वाला फोर्स नेगेटिव ना पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव, तो बताइए इसमें क्या लिखूं नेट फोर्स? बोलो F2 cos theta minus F3। हाँ F2 cos theta minus F3, ये तो आ गया नेट फोर्स इज इक्वल टू, आगे बनाए ये इक्वेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना m, एक्सेलरेशन कितनी है y में? a साइन फाई नहीं, माइनस a साइन फाई। क्यों माइनस a साइन फाई? हाँ देखो इतनी सी गलती से इक्वेशन गलत हो जाती है और फिर आंसर ही गलत आ जाएगा, समझ गए हो ना? अगर आपने y ऊपर मान रखा है तो जो फोर्स ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी ऊपर होती तो पॉजिटिव, और क्योंकि एक्सेलरेशन फिलहाल नीचे है तो आपको पॉजिटिव नहीं लेनी है, आपको एक्सेलरेशन लेनी पड़ेगी नेगेटिव। अब बताओ एफबीडी क्या होता है और न्यूटन लॉ की इक्वेशन बराबर हमें कैसे बनाते हैं, क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है तो अब इस चैप्टर में यही काम चलना है, इस चैप्टर में यही काम चलना है, ये एफबीडी और ये सब हम इस वीक विदाउट फ्रिक्शन पढ़ रहे होंगे और अगले वीक विद फ्रिक्शन पढ़ रहे होंगे। देखो फ्रिक्शन कोई अलग चैप्टर नहीं होता है, न्यूटन लॉ के क्वेश्चन में एक बार स्मूथ सरफेस दे दी जाएंगी और एक बार रफ सरफेस आ जाएंगी, तो यही चीजें फिर से फ्रिक्शन के साथ भी आ जानी है। तो पहले इस वीक, आज शायद वेडनेसडे हुआ है तो 3-4 दिन तो पहले हम विदाउट फ्रिक्शन वाला काम करें, जो भी होगा जिस तरह से होगा। और मैं फिर कहता हूं भाई टेस्ट दिया करो यार, टेस्ट क्यों नहीं देते हो आप, इसका जवाब दो आप कुछ। अभी मैंने देखा था क्लास में 14 बच्चे थे, तो एक बार फिर से देख लेता हूं कितने स्टूडेंट्स हैं एट प्रेजेंट। सर
हाँ इतने ही है, मतलब मेरे को हटा के 13 है। तो 13 में से टेस्ट तो 7 ही बच्चों ने दिया, क्यों नहीं दे रहे हो बाकी बच्चे टेस्ट? जिन्होंने नहीं दिया वो जवाब दीजिए। एक यार आपको नहीं पता हम मैं कितना टाइम लगा रहा हूं बार बार टेस्ट बनाने में और आप टेस्ट नहीं दे पा रहे। अगला टेस्ट मैं उम्मीद करूं ये 13 बच्चे तो देंगे जो अभी क्लास में हैं। यस सर, यस सर। चलो ठीक है देखते हैं। तो अब देखो इन एफबीडी के ऊपर बेस्ड हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन चीजों को हमने बनाना सीखा है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा टॉपिक आता है, मतलब स्टार्टिंग टॉपिक जिनमें एफबीडी और इनका यूज होता है, दैट इज नोन एज एटवुड मशीन। एटवुड एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने किसी समय ये मशीन डिजाइन की थी। आज आप सोचोगे तो ये मशीन क्या है, कुछ नहीं एक पुली है, लेकिन किसी समय ये भी एक पूरी मशीन थी। एटवुड मशीन, एटवुड मशीन का मतलब है कि सिंपली एक पुली, बस और कुछ नहीं। ये एक सिंपल पुली है और कुछ नहीं, और इसके ऊपर से एक रोप यूं लिपटी हुई है और उसके दोनों साइड दो ब्लॉक लगा रखे हैं। मान लो M1 भारी है और M2 हल्का है, ये हैवी है और ये लाइट है, और ऊपर ये छत है, तो मतलब ये रेस्ट पे है सिस्टम। यूं देखे थे तो एक बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन यार ये भी एक मशीन का काम करती है। कुएं पे पानी भरते हैं, देखा है? भरा तो नहीं होगा, देखा तो होगा कुएं पे पुली सिस्टम, कभी देखा है कि नहीं? देखो आजकल तो कुएं के अंदर ही मोटर फिट हो जाती है, कुएं के साथ पूरा टैंक बना दिया जाता है, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन अगर थोड़े भी पुराने कुएं आप देखेंगे जहां मोटर नहीं फिट है, तो उनके साथ एक पुली सिस्टम लगा रहता है, वो एटवुड मशीन ही है। ठीक है ना, यही है पूरी एटवुड मशीन। तो अब ये भारी है तो ये पार्ट नीचे आएगा, मान लीजिए नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, तो भाई कंस्ट्रेंड मोशन, क्योंकि ये पुली रेस्ट पे है, तो M2 किधर जाएगी? ऊपर। ऊपर, क्योंकि ये पुली रेस्ट पे है तो भाई कंस्ट्रेंड मोशन जो M2 है वो ऊपर की तरफ जाएगी विद द सेम एक्सेलरेशन ए। पता है ना ये आपको कि अगर पुली रेस्ट पे होती है, पुली ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही है, तो एक्सेलरेशन दोनों पार्ट्स का सेम। अब एक अजम्पशन है यहां पे, सबसे पहली बात जो पुली है दैट इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, आइडियल पुली ही आएंगी हमारे पास। मास वाली पुली आएंगी रोटेशन वाले चैप्टर में, अभी नहीं, जब हम रोटेशनल डायनेमिक्स पे चलेंगे थोड़ा आगे चल के, अगले आगे दो चार चैप्टर बाद, तो उनमें मास वाली पुली आएंगी। एंड जो स्ट्रिंग है वो भी लाइट है, लाइट मतलब मासलेस। तो ये दो अजम्पशंस हैं। स्ट्रिंग हैवी ले लेंगे इसी चैप्टर में, स्ट्रिंग हैवी तो इसी चैप्टर में ले लेंगे, लेकिन पुली मास वाली यहां इस चैप्टर में नहीं आनी, तो पुली आइडियल ही रहनी है इस चैप्टर में। अब देखो एक बात, अगर स्ट्रिंग हल्की है तो जितनी टेंशन यहां होगी उतनी यहां होगी, उतनी यहां होगी उतनी यहां होगी, क्योंकि इससे नीचे भी M1 मास है, इससे नीचे भी M1 मास है, और इस पॉइंट से नीचे भी M1 मास है, क्योंकि रस्सी का तो मास ही नहीं है। तो पुली मासलेस होने का फायदा क्या है कि एक साइड में हर जगह टेंशन क्या रहेगी, बिल्कुल सेम। टेंशन का मतलब क्या होता है, जो रस्सी खिंचाओ, रस्सी जो फोर्स लगाती है, रस्सी कभी किसी को धक्का नहीं मार सकती है, जिससे भी अटैच होगी, चाहे एक पार्ट आगे जा रहा हो, सॉरी नीचे जा रहा हो, चाहे एक पार्ट ऊपर आ रहा हो, ये इधर वाला पार्ट नीचे जा रहा है, इधर वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, लेकिन रस्सी दोनों को ऊपर ही खींचने का प्रयास कर रही है, एक को खींच पा रही है एक को नहीं खींच पा रही, मतलब ये सिस्टम है। ठीक है, तो क्योंकि पुली सॉरी स्ट्रिंग मासलेस है, इसलिए इधर हर जगह टेंशन इन द रोप क्या होगी, बिल्कुल सेम। दूसरी बात, पुली मासलेस अगर हो तो दोनों साइड टेंशन सेम होती है, और अगर पुली में मास होगा तो उसको घुमाने के लिए, रोटेशन का क्वेश्चन चला जाता है, उसको घुमाने के लिए दोनों साइड टेंशन में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो घूम नहीं पाएगी। तो अभी इस चैप्टर में आप ये बेझिझक मान के चलें कि जब तक रस्सी एक रहेगी टेंशन हर जगह सेम रहेगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes, ये एक ही रस्सी है कि पुली के ऊपर से घूमे, क्योंकि पुली मासलेस है तो हर जगह इसमें टेंशन टी है। तो अब मेरे पास दो अननोन है, मेरे पास यहां पे दो अननोन्स हैं, टू अननोन्स। कौन कौन से दो अननोन हैं? एक तो टेंशन इन द रोप और एक एक्सेलरेशन। मेरे पास दो अननोन हैं, एक तो टेंशन इन द रोप और एक एक्सेलरेशन। और मेरे पास जो नोन क्वांटिटीज हैं जो मुझे पता है, एक तो दोनों का मास M1 M2 और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी।
मतलब मुझे टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी इन टर्म्स ऑफ एम वन एम टू एंड जी, एंड जो भी आएगा हम रिजल्ट भी याद रखेंगे, हम वो फॉर्मूले भी याद रखेंगे। अब देखो वेरिएबल दो, तो इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेगी अगर दो वेरिएबल है तो? दो, और दो ब्लॉक है मेरे पास, तो मैं दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाऊं। सबसे पहले एफबीडी ऑफ एम वन, एम वन आप उस ब्लॉक को चाहे तो पॉइंट से दिखा दो मास एम वन। अब देखो सारे फोर्सेस दिखाओ, सबसे पहला फोर्स जो कभी नहीं भूलना है वेट। आप अर्थ के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो तो वेट लगेगा, और वेट कितना होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होता है ये पता है कि नहीं पता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, पता है ना ये तो सभी को? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर। ठीक है एम जी, और बताओ इस एम वन पे और कौन सा फोर्स लग रहा है, और क्या चीज अटैच है इसके साथ? वेट तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, और कौन सा? टेंशन। टेंशन ये नीचे आ रहा है तो रस्सी इसको धक्का मार रही है कि खींच रही है? खींच रही है सर, धक्का मार ही नहीं सकती है। रस्सी चाहिए नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, रस्सी अपनी तरफ खींचेगी तो इसमें ऊपर टेंशन टी। देखो एफबीडी बनाना सीखो, पॉइंट से चाहे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दो, उसका मास लिख दो, सारे फोर्स लिख दो और उसकी एक्सेलरेशन लिख दो। एक्सेलरेशन नीचे है ए। अब आपका मन करे उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, जिसमें मन करे, जरूरी नहीं कि एक सिचुएशन में इसके लिए जो पॉजिटिव आना वही उसके लिए। जैसे मान लो इसकी एक्सेलरेशन नीचे है, सपोज आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाले डायरेक्शन को, तो अब बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ सेकंड। नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है? m1g minus t इज इक्वल टू मास, मास कितना है m1, एक्सेलरेशन बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर वन, लेकिन वेरिएबल दो है तो एक इक्वेशन से तो पार पढ़नी ही नहीं है। तो अब मैं एक और एफबीडी बनवाऊ, एफबीडी ऑफ एम टू। हाँ भाई सुमित भैया है क्या आज क्लास में, मिस्टर सुमित? नहीं है। अरे अनुज आप हो क्लास में? यस सर। तो अनुज आप बनवाओ इसका एफबीडी, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बोलो? लग रही है सर, एक तो नीचे M2G, एक तो नीचे M2G, एक M2G टेंशन, और एक टेंशन सेम, और एक्सेलरेशन किधर है इसका सर? ऊपर, ऊपर A। तो आपका मन करे तो इसके लिए ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान सकते हो, जैसे उसमें नीचे वाली मानी इससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने इसी सिचुएशन में यहाँ पे ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, अब बनवाओ अनुज इक्वेशन, बोलो क्या इक्वेशन बनेगी? T minus m2g इज इक्वल टू m2a, m2 into पॉजिटिव a, इक्वेशन नंबर टू a। अब हाँ ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। पहले तो आप बच्चों ये बताओ FBD बनाना आ गया? FBD बना के इक्वेशन लगानी आ गई न्यूटन्स लॉ की? यस सर। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सपोज मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो t हटाना है। आप देखो अगर मैं दोनों इक्वेशन को एड कर दू तो क्या t कैंसिल हो रहे है? अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो शायद आराम से टी कैंसिल हो रहा है। तो हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए 1 प्लस 2 किया, पहला काम मैं कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 प्लस 2 ऐड करो, LHS में LHS, टी में टी कट गया, तो ये बचा m1g minus m2g। दिख रहा है ना जी आपको पूरा बोर्ड? ठीक है, इज इक्वल टू, उधर से ए कॉमन आ जाएगा और ये क्या बचा m1 plus m2, यहां से g कॉमन। तो मेरे पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आ गया जो हमें एटवुड मशीन में याद रखना है, m1 minus m2 अपॉन m1 plus m2 into g। एक्सेलरेशन m1 minus m2 अपॉन m1 plus m2 into g। बताओ भाई क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक, एक्सेलरेशन कैसे निकली? Yes, sir. और ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एक एक्टोड मशीन जिसमें पुली रेस्ट पे हो, एक साइड m1 मास है एक साइड m2 मास है,
तो एक्सेलरेशन होता है बड़ा माइनस छोटा अपॉन दोनों का सम इंटू जी। ठीक है, आसानी से आ जाएगा ये तो पूरा। अब मान लो टेंशन, वैसे अक्सर तो एक्सेलरेशन ही पूछते हैं बट हो सकता है कि रस्सी में टेंशन भी पूछ ली जाए। तो टी निकालने के लिए मैं क्या करूं, टी निकालने के लिए क्या करें, आप ए को गायब करो, ए को गायब करना है तो वन से टू को डिवाइड कर दो। आ रहा है ना समझ में भाई, या तो ए की वैल्यू पुट कर दो किसी इक्वेशन में, या तो ए की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, या फिर ए को गायब कर दो डिवाइड करके। तो मैं टी निकाल रहा हूं कि भाई टी क्या होगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, चलो मैं पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू। इक्वेशन नंबर टू में आपने ए का एक्सप्रेशन पुट किया तो ये बना टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू इंटू ए, और ए आपका है एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। ये एम टू जी उधर जाके प्लस का हो गया, टी इज इक्वल टू, देखो एम टू जी उधर जाके प्लस हुआ और एक ऊपर एम टू जी आपको अलग दिख रहा है, तो क्या आपको ये नजर आ रहा है कि एम टू जी कॉमन आ रहा है? Yes, ये बचा वन प्लस एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो फाइनली क्या आ रहा है, एम वन प्लस एम टू एलसीएम आएगा, ऊपर एम वन प्लस एम टू यहां आएगा, प्लस एम वन माइनस एम टू, एम टू से एम टू कट गया, ऊपर क्या बना बताओ, आपको दिखना चाहिए ऊपर ओनली बचेगा टू एम वन। देखो एक बार एलसीएम लेके ऊपर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, टू एम वन, इसके अलावा एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो भाई ये एक एट्रोड मशीन के दो फॉर्मूले हैं जो हमें सीधे याद रखने चाहिए, टेंशन और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आई एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी, और टेंशन आई टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। शायद तरीका आराम से समझ में आ गया होगा, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना आ गया होगा आपको, क्यों लगाना कैसे लगाना। यस सर, ठीक है। अब देखो इस अगर क्वेश्चन में केवल एक्सेलरेशन पूछी जाए तो आप वो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैं एक तरीका सिखाता हूं आपको एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखने, मिटा दो इसको, टेंशन आ गई समझ में। यस सर, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखने का एक फॉर्मूला, आपको टेंशन नहीं चाहिए, आपको खाली एक्सेलरेशन चाहिए। हमें पता है कि ये भारी है तो M2 इधर जा रहा होगा ना, M2 नहीं किधर क्या माना था M1, और ये हल्का है तो M2 ऊपर जा रहा होगा। हम ये भी जानते हैं कि कंस्ट्रेंट से अगर इसकी एक्सेलरेशन A है तो इसकी भी एक्सेलरेशन A होगी, ये भी हम जानते हैं। अब देखो ये आप इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाना सीखो, अभी तक तो हम एक एक्सिस के अलोंग लगाते थे, अब मैं अलोंग द मोशन आपको डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ लगाना सिखाता हूं। अब सिस्टम मान लो M1 प्लस M2, सिस्टम अकेला M1 या अकेला M2 नहीं, सिस्टम हमने मान लिया M1 प्लस M2। देखो जिस भी बच्चे को लगे नहीं यार डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है ये, तो आप अलग अलग लगा के कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, अलग अलग इक्वेशन बना के तो मैंने सिखाई दिया। अब डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे निकालनी कोई सीखने की कोशिश करो। आपने सिस्टम माना M1 प्लस M2, तो जो रस्सी का फोर्स है टेंशन फोर्स वो M1 और M2 के बीच का इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है इस सिस्टम पे? अगर मैं M1 प्लस M2 को नहीं, अगर M1 को सिस्टम मानते तो रस्सी का फोर्स एक्सटर्नल है, अगर M2 को सिस्टम मानते तो रस्सी का फोर्स एक्सटर्नल है। अगर आप M1 प्लस M2 को सिस्टम मानते हो तो वो दोनों आपस में जुड़ी हुई है, तो आप इसको किस कैटेगरी में डाल सकते हो कि ये जो टेंशन ऑफ द रोप है ये तो जैसे अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं इस तरह से इंटरनल फोर्स, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। ऐसे केस में डायरेक्ट तरीका होता है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम टोटल इंटू ए। अब ये सीखो कि एफ एक्सटर्नल कैसे लिखना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव लेना है, दूसरा नेगेटिव। भाई एक्सटर्नल फोर्स दो है, एक तो लग रहा है एम वन जी और एक लग रहा है एम टू जी। अब आप बताओ एम वन जी मोशन को सपोर्ट कर रहा है कि मोशन को अपोज कर रहा है?
सपोर्ट कर रहे हैं, एम वन जी मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं और एम टू जी जो है वो अपोज कर रहे हैं। तो जो एफ एक्सटर्नल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एम वन जी माइनस एम टू जी, एक मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं और एक मोशन को अपोज कर रहे हैं, इज इक्वल टू एम टोटल, रस्सी तो मासलेस है तो एम टोटल हो गया एम वन प्लस एम टू। ए इसका भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ए उसका भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो दोनों की एक्सेलरेशन ही ए है। समझ में आ रहा है क्या किस तरह से हम लगा रहे हैं? और यहां से देखो आप, ये कुछ नहीं है भाई, ये कोई तरीका नहीं है, ये बस एक शॉर्टकट है कि कैसे डायरेक्ट आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। अभी बताओ, मतलब ये एक शॉर्टकट तरीका है कि कैसे आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ये होती है क्या? यहां तक आ गया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल एटूड मशीन होगी, एक सिंपल एटूड मशीन। अब मान लो यहां टेंशन पूछ ली जाए, यहां इस रस्सी में टेंशन, इसका क्या जवाब होगा कि इस रस्सी में कितनी टेंशन होगी? ये ऊपर वाली रस्सी में अच्छा ये बताओ नीचे वाली रस्सी में कितनी टेंशन आई थी अभी? टू टाइम्स एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी, ये आया था अभी टेंशन ये नीचे वाली रस्सी में। यस सर। ठीक है, एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास ऑफ ए टू बॉडी सिस्टम, रिड्यूस्ड मास ऑफ ए टू बॉडी सिस्टम, म्यू से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कभी दो ब्लॉक का सिस्टम आएगा, चाहे प्लेनेट सैटेलाइट हो, चाहे कहीं भी हो, अर्थ अराउंड सन हो, या कहीं कई जगह जरूरत पड़ेगी, या स्प्रिंग से दो चीजें जुड़ी हो जैसे यहां रस्सी से जुड़ी है, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी रिड्यूस्ड मास की। रिड्यूस्ड मास की टर्म्स में कई फॉर्मूले याद रखने आसान हो जाते हैं और रिड्यूस्ड मास बोलते हैं इस टर्म को एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। दिस इज नोन एज द रिड्यूस्ड मास ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम। आप बताओ इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड मास इस बॉडी में टेंशन कितनी है? इस बॉडी में मतलब इस रस्सी में, सॉरी इस रस्सी में 2μg। इस तो आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी याद कर सकते हो कि एटूड मशीन की जो रोप होती है उसमें टेंशन होती है 2μg। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं इसको क्या लग रहा है, इस रस्सी को इसके ऊपर कितना बोझ डाल दिया गया है, इसमें कितनी टेंशन है, ये कैसे निकालें? आप पुली का एफबीडी बनाओ, पुली का, पुली को दो साइड से ब्लू वाली वायर खींच रही है अपनी तरफ, पुली को दो साइड से ब्लू वाली वायर अपनी तरफ खींच रही है, तो भाई वो तो टेंशन टी दे रही होगी और पुली रेस्ट पे है, एमजी है नहीं, एमजी क्यों नहीं है पुली का, पुली का वेट क्यों नहीं है? वेटलेस है, वेटलेस है, हमने शुरू में बोला। तो इसको रोक के रखा है ऊपर वाली टेंशन ने ही, मान लो वो टेंशन टी डैश है, सपोज वो टेंशन टी डैश है और ये रेस्ट पे, तो अब बताओ टी डैश कितना हो गया फोर्स बैलेंस करके, सिंपली फोर्स बैलेंस करके टी डैश कितना हो गया? 2t, t dash is equal to 2t, 2t is equal to 4μg, 4μg, तो अगर मैं ऊपर वाली रस्सी की हालत बयां करूं यहां पे, तो आपसे पूछ लिया जाए सवाल कि ऊपर वाली रोप को क्या लग रहा है कि उस पर कितना मास बांध दिया गया है? भाई ऊपर वाली रोप पे तो ऐसे टेंशन आ गई जैसे कि उसके साथ, ये आ गया समझ में? मिटाऊंगा इसको, ऊपर वाली रस्सी का ऐसा हाल है जैसे उसके साथ एक मास बांध दिया गया। बस अगर एक मास बांध दिया गया होता जिसका मास कितना होता 4μ, ऐसा ऑब्जेक्ट, बस ये रेस्ट पे है। अब बताओ ऊपर वाली रस्सी में कितनी टेंशन है? अब अगर मैं पूछूं कि ऊपर वाली रस्सी में कितनी टेंशन है, नीचे की तरफ वेट कितना हो गया 4μg, और ऊपर टेंशन जिसको आप टी डैश बोल रहे हो, तो अभी भी टी डैश कितना होगा 4μg, अभी भी टी डैश होगा, दैट इज 4μ। अरे यार आज तो आपकी क्लास में सारे फोन आएंगे। देखिए अब
आपको पता लग जाता है बीच में फोन आता है या क्या होता है, आवाज सुनती है इस तरह? चलो ठीक है, ये तीन बार फोन आ चुके हैं आपकी क्लास के बीच में। देखिए इधर, टी डैश इज इक्वल टू फोर म्यू जी, इसका मतलब अगर यू सवाल आ जाए कि एक रस्सी से एटवुड मशीन बंधी हुई है तो उसका इक्वलेंट मास क्या होगा ऊपर वाली रोप के लिए? देखो एक रस्सी से एटवुड मशीन बंधी हुई है तो दैट इज इक्वलेंट टू कि जैसे आपने पूरी रस्सी को हटा के पूरे एटवुड मशीन को हटा के एक मास अटैच कर दिया और उसका मास कितना है? फोर म्यू। सो एम इक्वलेंट फॉर एन एटवुड मशीन, एम इक्वलेंट फॉर एन एटवुड मशीन, इट इज कमिंग आउट टू बी फोर म्यू। बताइए समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? जैसे मान लो एक साइड मास है 6 kg, एक साइड मास है 6 kg, एक साइड मास है 3 kg, सवाल आ जाए कि बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना मास होगा कि जो मैं ऊपर अटैच करूं? इसका इक्विवेलेंट कितना मास होगा जो मैं ऊपर अटैच करूं, बताओ? मास डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले इसका रिड्यूस्ड मास निकाल लो। रिड्यूस्ड मास कितना होता है? रिड्यूस्ड मास कितना होता है? M1 plus M2 6 into 3 upon 9 कितना आ गया reduced mass? 2 kg। तो बताओ इसका equivalent mass कितना होगा कि ऊपर वाली रस्सी को कितना वजन महसूस हो रहा होगा? equivalent mass कितना होगा? 8 kg, यानी कि ऊपर वाली रस्सी में टेंशन होगी 8g, ऊपर वाली रस्सी में टेंशन हो जाएगी 8g और g को नियरली 10 मानते हैं तो 80 न्यूटन। ये बताओ equivalent concept आपको आ गया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, अब देखिए एटवुड मशीन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें अभी तक एक पुली हमने ली और वो रेस्ट पे ली। अब इसका यूज करके कल ले लें आपको अगला टेस्ट की नहीं? यस, कल भी साथ ही बच्चे दोगे पेपर? नहीं, ले लो सर, कल मतलब ले लो। कम क्या कह रहे हो, और भी कम दोगे? साथ भी नहीं दोगे क्या? मान लीजिए मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, ये सारी आइडियल पुलीज हैं, यहां पे मास है 6 kg, यहां पे मास है 3 kg। अभी मैंने केवल ये सिस्टम लिया था 6 kg 3 kg वाला, लेकिन अब मैंने उस पर एक और पुली लगा दी। ये सारी आइडियल पुली है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस और आइडियल रोप है, इस तरह का है। अब ये बताना है m की वैल्यू क्या हो सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट, ये बताना आपको। हाँ जी भाई, सवाल आ गया समझ में? एम की वैल्यू क्या हो कि ये रेस्ट पे रहे, कैसे करें? ये रेस्ट पर है तो जरूरी नहीं कि ये रेस्ट पर हो, सकता है चल रहा हो लेकिन वो रेस्ट पे रखना हमें। देखो जब भी कभी किसी कर रहे हैं, एक मिनट रुको सर, 8 किलोग्राम कैसे किया? सही है, अभी हमने देखो, मैं नीचे वाली पुली है ना, इसके ऊपर हम टोटल निकालेंगे जैसे हमने पिछले केस में निकाला था। मैंने इसीलिए वैल्यू चेंज नहीं की, मैंने सवाल बढ़ाया है, वो पहला सवाल उसी का यूज करके दूसरा सवाल। आप ही बताओ इसका इक्विवेलेंट मास कितना बना था? इसका इक्विवेलेंट मास 8 kg। तो आप इस सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हो, इस सिस्टम को आप रिप्लेस कर सकते हो कि जैसे इधर तो मास है m और इधर आप रिप्लेस कर दो केवल और केवल 8 kg से। अब ये रेस्ट पे कब रहेगा? जब दोनों साइड बराबर हो, नहीं तो रेस्ट पे नहीं रह सकता। अगर ये रेस्ट पे रहना चाहता है तो इसका मतलब m आपका डायरेक्ट कितना आ गया? 8 kg। ठीक है, अगर कोई बच्चा वैसे करता है ना, बड़ा जाएगा सवाल,
इसकी एक्सेलरेशन निकालोगे, टेंशन निकालोगे, फिर यहां टेंशन निकालोगे, फिर करोगे। तो ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैंने क्यों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सिखाया है। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, एटवर्ड मशीन बहुत अच्छे से समझ लेते हैं लेकिन इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं करके जाते, तो उससे दिक्कत कहां आती है, जब दो तीन पुली वाले सवाल आते हैं फिर उनमें टाइम ज्यादा लग जाता है, सोल्व कर देंगे लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा जल्दी आपका क्वेश्चन करवा देगा। कि यहां तक आया कि नहीं आया समझ में? अब मैं इसमें एक और पुली ऐड करता हूं, अब आप फटाफट करके दिखाएंगे। एक और पुली मैं ऐड कर रहा हूं, ये एक पुली है, इधर एक ब्लॉक है, फिर ये एक और पुली है। अभी हमने यहीं पे 6 और 3 kg डाल दिए थे, तो थोड़ा सा स्कोर बढ़ा रहा हूं, इधर एक और ब्लॉक है और ये एक और पुली है और यहां मैं वही सिस्टम ले रहा हूं, एक मास 6 kg और एक मास 3 kg। आप बताओ एक बार, क्या डायग्राम समझ में आया, कैसे क्वेश्चन बढ़ाया हमने? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये 6 kg, ये 3 kg, ये 4 kg, मैं धीरे धीरे इसमें, अच्छा पुली सारी मासलेस है, वही सिस्टम है, पुली सारी की सारी मासलेस है, 6 kg, 3 kg, 4 kg एंड दिस इज 1 kg, और आपको ना इस 1 kg की एक्सेलरेशन बतानी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास, एंड अगला सवाल यहां टेंशन क्या है ये बतानी है। ये दो सवाल है, ये दो सवाल है यहां पे, टाइम होने वाला है वैसे आपका, ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। पांच मिनट बचे, लास्ट 5 मिनट आप कीजिए, 2-3 मिनट इस पे दीजिए। अभी कर रहे हो? यस सर। कैसे कर रहे हो? इक्विवेलेंट सिस्टम से जा रहे हो ना, इक्विवेलेंट वाले से? यस एक्सेलरेशन 4.5। चलो देखते हैं, देखते हैं मुझे क्या पता क्या आएगा, मैं तो वैसे ही बढ़ा रहा था। सर यही आई है। ठीक है, मैं तो जस्ट एक रैंडम वैल्यू दे रहा था। 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आया था? इक्विवेलेंट मास 8 kg। फिर 8 और 4 का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? पहले तो म्यू निकालो, पहले तो इसका म्यू निकाल लो। म्यू होगा m1 into m2 upon m1 plus m2। 8/3 तो म्यू आया है, क्या इक्विवेलेंट मास म्यू होता है कि 4 म्यू होता है, बताओ? इक्विवेलेंट मास म्यू रखते हैं कि 4 म्यू रखते हैं? इसका म्यू था 2, तब इक्विवेलेंट मास बना था 8 kg, फिर इसका म्यू आया 8/3, तो इक्विवेलेंट मास कितना बनेगा? 32/3 kg। तो आपने कितना लिया था, 8/3 लिया था कि 32/3? अब देखो ये गलती नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन तो फिर कोई ना कोई ऐसा ही बनाएगा जो 8/3 से आएगा। अब ये एक छोटा सिस्टम बन गया, 32/3 इधर, 1 इधर, तो एक्सेलरेशन लिखनी है। एक तो ये काम, डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, m1 - m2 बड़ा माइनस छोटा, 32/3 - 1 अपॉन m1 + m2 इंटू जी। आप एलसीएम लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 32 - 3 - 29 और ये 35, 29/35 g। अब बताओ क्या एक्सेलरेशन समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. किसी ने सही निकाला था कि सभी ये गलती कर रहे थे यहां पे?
बताओ ऊपर वाली रोप में टेंशन। अच्छा आप ऊपर वाली रोप में टेंशन बताओ, ऊपर वाली रोप में टेंशन उसके लिए उसका इक्विवेलेंट निकाल लो, उसके लिए इसका इक्विवेलेंट 32 बाई 3 और 1 का पहले म्यू निकालो, 32 बाई 3 इंटू 1 अपॉन 32 बाई 3 प्लस 1, 3 से 3 कट लेना है तो ये आएगा 32 बाई 35 केजी, ये तो म्यू आया। इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इक्विवेलेंट मास इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा यहां पे, 4 इंटू 32 बाई 35 यानी कि 4 2 8 4 3 12 128 बटे 35 केजी। तो यहां टेंशन कितनी होगी, जैसे वो इतने मास को संभाले हुए इसके वेट को, तो ऊपर जो टेंशन होगी वो होगी 128 बाई 35 इंटू जी। अभी बताओ एटूड मशीन इस तरह से बढ़ती चलेंगी तो क्या ये समझ में आ गया है कि नहीं आपको? ठीक है, लास्ट मिनट चल रही है, मीटिंग पूरी होने वाली है। अभी बताओ इस क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई एटूड मशीन, लेकिन उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट सिखाया जो अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं, खाली वो शुरू के दो फॉर्मूले याद रख के चलते हैं। तो अभी आज अगर टाइम मिला तो मैं एक और क्लास लगाऊंगा, जिसमें अभी नहीं, अभी मैं एक और किसी क्लास की लेक्चर लूंगा, लेकिन आपका अगर टाइम मिला तो एक और क्लास लगाएंगे, और थोड़ा लेट हो सकती है क्लास, और उससे पहले आप सीपीपी 33 अटेम्प्ट करके रखें, क्योंकि अगली क्लास में एक तो मैं इस पे क्वेश्चन लूंगा और साथ में सीपीपी 33 ये आप ट्राई करेंगे। क्लियर? यूट्यूब पे डालोगे ना? हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है।